कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अच्छे ही हो गए। अब यहाँ ध्यान दो, इससे पहले वाले क्लास में हम किसी भी संख्या का आखिर क्या क्या इस संख्या को हम लोग कह सकते हैं वो सीख चुके थे, और आज हम लोग कोई भी संख्या इवेन है या फिर ओड है इसको पहचानने सीखेंगे। आप जो है कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, काफी दिन पहले जो है दिल्ली में एक व्यवस्था लाई गई थी, वो क्या भैया? अगर ओड डे होगा, समझना, अगर ओड डे होगा तो उस दिन ओड नंबर वाली गाड़ी चलेगी सर। आप ऐसा कुछ न्यूज सुने हो काफी दिनों पहले? अगर मान लीजिए इवेन डे होगा तो इवेन नंबर की गाड़ी चलेगी, इवेन डे होगा तो इवेन नंबर की गाड़ी चलेगी, ये है क्या? मतलब भैया ये है क्या, इवेन नंबर की गाड़ी चलेगी इवेन डे के दिन, ओड नंबर की गाड़ी चलेगी ओड डे के दिन? इसका मतलब हुआ जब तक आप इस ओड और इवेन को, अर्थात विषम और सम को पहचानोगे नहीं कि कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये 5 जो है आपका ओड है या फिर इवेन है, जब तक इसको आप नहीं पहचानोगे तब तक ये बातें आपके समझ में नहीं आने वाली। तो आप बोलोगे भैया वैसे हमको तो ओड और इवेन तो पता है, ठीक है हम जानते हैं भैया, किसी भी संख्या में अगर 2 से पूरा पूरा भाग लगी जाएगा, अर्थात जो संख्या 2 के पहाड़े में आ जाएगा उसको हम लोग भैया इवेन कहते हैं, और जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओड कहेंगे। भैया ये तो हमको पता है, जैसे एग्जाम्पल दीजिए। भैया एग्जाम्पल चाहिए? सुनिए, 104 यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो है 2 के से डिवाइड होता कि नहीं होता, आप क्या करोगे, 2 का या तो 2 का पहाड़ा करोगे या फिर 2 से डिवाइड करोगे और चेक करोगे क्या ये संख्या 2 से भाग लगत है। अगर ये संख्या 2 से भाग लग गया तो इवन नंबर है, अगर ये संख्या 2 से भाग नहीं लगा तो ओड नंबर है। जैसे आपके सामने है 18, क्या 18 इवन है या ओड है? भैया यहाँ देखिए 18 जो है 2 के पहाड़े में आता, 2 × 18, अर्थात ये हमारा इवेन नंबर है जो 2 के पहाड़े में आ जाए, अर्थात जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो संख्या मेरा इवेन नंबर होता, ये तो आपको पता है। लेकिन होता है क्या कभी कभी 103458 इस तरह का संख्या आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे भैया हम सब में 2 से भाग लगाए या कुछ ट्रिक बता दीजिए। तो सुनिए, सिर्फ अंतिम अंक को देखना है, अगर ये अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आ रहा तो ये मेरा इवेन नंबर हो जाएगा। अंतिम अंक देखो सिर्फ 8 है, क्या 8 2 के पहाड़े में आता? भैया 2 × 8 भैया 4 बार में 2 के पहाड़े में 8 आता है, अर्थात ये हमारा इवेन नंबर है। हम लोग जो है ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको इवेन नंबर कहते हैं। आज कुछ अलग देखने वाले, ठीक है, इवेन नंबर का आज कुछ अलग परिभाषा देखने वाले। भैया अलग क्या, वही चीज है, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, जिस संख्या के अंत में या तो 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए, 4, 6 या 8 रहे तो वो संख्या मेरा इवेन नंबर होता है। बहुत अच्छे, सम संख्या किसको कहेंगे भैया? सम संख्या की बात कर रहे हैं? हाँ जी, सम संख्या का प्यारा सा डेफिनेशन होता कि कोई भी संख्या, यहाँ पर हम 5-6 संख्या ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी संख्या ले लिया गया, 0, 3, 4, 1, 0, 9, 3, 2, 6, 2, 7, यहाँ पर बहुत सारा संख्या है, कैसे जानेंगे कोई संख्या इवेन है या ओड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इवेन के बारे में सोच रहे हैं, तो इवेन भैया बोलेंगे बच्चा फिक्र ना करो, हम इवेन है या नहीं है इसका पहचान आप सिर्फ लास्ट डिजिट देख करके लगा सकते हो। अगर अंतिम में इस लास्ट डिजिट में अगर 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, इस पांचों में से कोई भी एक संख्या अंतिम में दिख जाएगा तो वो मेरा इवेन नंबर होगा। देखो इसके अंत में क्या है, इसका एंड किससे हो रहा, इसका एंड जो है भैया 4 से हो रहा, 4 यहाँ पर पहले से मौजूद है तो ये मेरा इवेन नंबर होगा। चाहे आप इससे समझो या चाहे आप इससे समझो, हमें सिर्फ मतलब है आपके सही जवाब से आप जवाब सही देना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते एनी नंबर, कोई भी संख्या, एनी नंबर कोई भी संख्या जो जिसके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उसको हम लोग इवेन नंबर कहेंगे। भैया समझ में आ गया, एनी नंबर दैट एंड्स इन अंत में क्या क्या हो, अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इवेन नंबर कहेंगे। अच्छा ओड नंबर का क्या होगा,
भैया क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, कोड नंबर पूछ रहे। अरे भैया यहाँ पर जो जो नंबर नहीं आया ना, वो उसके अलावा कोई भी नंबर रहेगा ना, वो मेरा नंबर कोड नंबर कहलाएगा। चलो ये तो हम डेफिनेशन जानते थे कि अगर डज नॉट मतलब इज नॉट डिविजिबल, मतलब मैं क्या बोल रहा, अगर डिवाइड हो गया दो से तो इवन नंबर, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ओड नंबर, ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही थे। अब यहाँ पर कुछ हटके लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, जो आसान लगे वो आप ध्यान में रखोगे। विषम संख्या, ओके, यहाँ देखो ओड नंबर का क्या होता है, हम जानते हैं, आप मत लिखिए हम लिख लेंगे। अच्छा बोलो, एनी नंबर, एनी नंबर दैट एंड्स इन, भैया यहाँ पर जितना है ना इसके अलावा सब लिखेंगे, जीरो है इसके अलावा वन लिख लेंगे, तीन लिख लेंगे, पांच लिख लेंगे, सात लिख लेंगे और नाइन लिख लेंगे। अगर इससे, इस सारे डिजिट से अगर कोई भी नंबर एंड होगा तो वो संख्या मेरा ओड नंबर कहलाएगा। बहुत प्यारा जवाब है, पहले इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए। भैया क्वेश्चन हो जाए, हाँ जी क्वेश्चन हो जाए। जैसे आपके सामने यहाँ नंबर है सिक्स, आप बताओगे सिक्स आखिर इस प्यारे से संख्या का क्या क्या नाम है। मैं यहाँ तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, नाइन और ट्वेल्व और जीरो। कल हम लोग अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तब इसका आप बता सकते हो क्या क्या नाम है। तो बताओगे सिक्स, सिक्स क्या नेचुरल नंबर है, तो बोलोगे भैया नेचुरल नंबर सिखाए थे काउंटिंग नंबर। हाँ आप हमको सिखाए थे नेचुरल नंबर, जो डिब्बा सिखाए थे, ये डिब्बा तभी नेचुरल नंबर होगा जब इसके अंदर काउंटिंग नंबर पूरा पूरा भरा पड़ा होगा, तब इस डब्बे को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। इस डब्बे में सिक्स मौजूद है, हाँ भैया फाइव के बाद सिक्स भी मौजूद है, अर्थात ये नेचुरल नंबर हो गया। बहुत कुछ ये नेचुरल नंबर हुआ, क्या ये सिक्स जो है वो होल नंबर वाले डिब्बे में आता, होल नंबर में कौन सा डिब्बा था, ये तो नेचुरल नंबर हो गया। और सुनो आपके अंदर एक खामी दिखती है कि आप पूरा नाम नहीं लिखते हो, कम से कम पूरा नाम लिखा करो, सिर्फ एन लिख देते हो, अभी वो काम नहीं करो, अभी आपको पूरा का पूरा नाम लिखना है, सिर्फ नेचुरल लिखो, मैं समझ जाऊंगा, नंबर छोड़ दो। यहाँ देखो ये तभी आपका होल नंबर होगा जब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा एक जीरो आ जाए। देखो ना छह इसके अंदर मौजूद है, तो हाँ भैया ये छह इसके अंदर मौजूद है, अर्थात छह मेरा होल नंबर है। बहुत कुछ नेचुरल हो गया, हॉल हो गया, क्या इंटीजर नंबर छह है, इंटीजर नंबर में हम लोग पढ़े हुए थे ये तभी मेरा इंटीजर नंबर होगा जब इसके अंदर पूरा का पूरा हॉल नंबर मौजूद हो जाए और नेगेटिव नेचुरल नंबर मौजूद हो जाए, तो ये मेरा इंटीजर नंबर कहलाएगा। तो छह मेरा इसके अंदर मौजूद होगा, अर्थात ये मेरा इंटीजर नंबर है। बहुत प्यारा जवाब है आपका। इंटीजर के बाद आपको ये देखना है, भैया जी आप इतना ही कल बताए थे नेचुरल, हॉल और इंटीजर, इसके अलावा आप नहीं बताए थे, तो आज हम लोग इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये चारों सीखने वाले। हमको पता है आप जान रहे हो, लेकिन कोई नहीं, एक दो लेक्चर का एक्स्ट्रा भी लग जाए ना रिविजन करने में तो हम लोग करेंगे रिविजन, लेकिन सब कुछ अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। तब तीसरे लेक्चर से हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। ओके भैया समझ में आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, इंटीजर हो गया, इंटीजर के बाद बताओ सिक्स मेरा इवन है या फिर ऑड है, तो आप बोलोगे भैया इसका अंतिम अंक देखेंगे, ये तो खुद अंतिम अंक है, अगर अंतिम अंक में जीरो दो चार छह या आठ आ जाए तो यहाँ छह आ रहा है, अर्थात ये मेरा इवन नंबर हो गया। ठीक है तो ये मेरा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। या समझ में नहीं आता, देखो जिसने दो, जो दो के पहाड़े में आ जाए वो मेरा इवन नंबर होगा, ठीक है, जिसका अंतिम अंक दो के पहाड़े में आ जाए, बस ये ध्यान में रखो इसका अंतिम अंक क्या है, छह है, छह मेरा दो के पहाड़े में आ रहा तो ये मेरा इवन नंबर हो जाएगा, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब सारा का सारा आप खुद बनाओगे, बन गया होगा, हाँ भैया बन गया, इसमें से मैं कोई एक ही बताने वाला, क्या ही कह रहे भैया से केवल एक बताइएगा, ये ना चलेगा भैया, ऐसे तो ना चलने वाला, मतलब आप हमें सिखाओगे कैसे चलेगा कैसे ना चलेगा। मैं इसलिए छोड़ रहा क्योंकि मैं देखना चाहता कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं आप जो है फोटोकॉपी वाला काम कर रहे हो, ये ना चलेगा मतलब ये ना चलेगा। अब देखते हैं जीरो क्या नेचुरल नंबर है, तो बोलोगे भैया जीरो नेचुरल नंबर के डब्बे में कहाँ है, अर्थात ये नेचुरल नंबर तो नहीं, हॉल नंबर में, हाँ भैया हॉल नंबर जीरो है तो यहाँ हॉल नंबर लिख दिए। अगेन अगेन इंटीजर नंबर, हाँ इंटीजर नंबर में भी जीरो है। अगेन क्या जीरो मेरा इवन ऑड ऐसा कुछ है, तो बोलोगे भैया सुनिए ना क्या अभी हम लोग इवन और ओड का जो पता लगा रहे हैं वो हम लोग नेचुरल नंबर के आधार पर लगा रहे हैं, नेचुरल नंबर में जो इवन या ओड रहेगा सिर्फ वो लिख रहे हैं, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि आप पूरा का पूरा इंटीजर है बताओ इवन कौन है ओड कौन है, तब जाकर के ये जीरो काउंट होगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इवन और ओड का पता हम लोग नेचुरल नंबर के आधार पर लगा रहे हैं, तो जीरो को हम लोग अभी इवन नंबर नहीं लिखेंगे।
हाँ, अगर मैं कहूंगा कि पूरा का पूरा इंटीजर में बताओ इवन ऑड कौन है, तब आपको माइनस वाला भी देखना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इवन ऑड का पता नेचुरल नंबर के आधार पर लगाना है। भैया समझ में आ गया? अर्थात 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 जहां माइनस रहेगा वहां पर इवन ऑड नहीं लिखेंगे। ठीक, चलो बातें समझ में आ गई। ये दोनों जल्दी से लिख के बताओ, 9 कौन कौन सी संख्या है, 12, 12 कौन कौन सी संख्या है, हल्दी हल्दी बताओगे। इसके बाद एक बेहतर चीज स्टार्ट होने वाला, भैया वो क्या स्टार्ट होने वाला, वो है आपका फैक्टर्स। भाई भैया ये फैक्टर क्या होते हैं? अच्छा चलेगा, पता आप परेशान ना हो, हल्दी हल्दी पहले इसको बनाओ, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हुआ, 5-6 क्वेश्चन और देंगे, उसको बनाओ, उसके बाद हम लोग फैक्टर्स अर्थात फैक्टर्स पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर उसको देखने वाले। भैया जी क्या ही बोल दिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अच्छा भैया वो तो बहुत आसान है, वो बहुत आसान, हाँ चल और आसान ही होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ओके हाँ भैया जी, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, कुछ हम लोग प्राइम नंबर्स की तरफ बढ़ने से पहले कुछ सवाल कर लिया जाए और सवाल का जवाब अच्छे ढंग से देना है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, आपको जो है इस डब्बे में किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 12 आ रहा है, तो डब्बे में क्या आना चाहिए वो बताओगे। भैया इतना आसान आसान सवाल पूछते, बताइए 13 में किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 0 आ जाए, 9 में क्या जोड़ोगे जो 3 पूर्ण दे, 7 में क्या घटाओगे जो 12 हो जाए। मैं पहले बता रहा हूं क्वेश्चन उतारने से पहले यहाँ जगह आपको छोड़ना है, अगर जगह इधर आपका नहीं है तो कम से कम आप सिर्फ क्या करो, इस रो में लिखा करो, इधर जगह इसलिए आपको छोड़ने के लिए मैं कह रहा, मैं आपसे पूछूंगा अच्छा कौन कौन सी संख्या 12 कौन कौन सी संख्या है, बाद में ये बहाना नहीं चलेगा भैया जगह नहीं बचा था इसी कारण हम लोग नहीं लिख पाए, ऐसा कोई बहाना बाद में मैं नहीं सुनने वाला, इसलिए आप सिर्फ रो में लिखा करो, इधर जगह बचा के रखो, क्योंकि आपको क्योंकि ये तो सिर्फ एक बहाना है, मेन फंसाना अरे छोड़ो, मेन जो काम है इधर है, मैं जानना चाहता कि आप संख्या को पहचान पा रहे हो भैया। लेकिन भैया मुझे ऐसा क्यों लगता है आप ये भी सिखाना चाहते और ये भी रिविजन कराना चाहते, अरे हो गया, ज्यादा नहीं बोल सीखना मतलब ज्यादा नहीं तारीफ करना, भैया रिविजन भी करवा रहे, रिविजन तो आपका वो 7 क्वेश्चन करवा रहा जो 7 क्वेश्चन आप बना रहे हो, जितना रिविजन ये करवाता है मेरे अंदर वो क्षमता नहीं कि मैं आपको इतना रिविजन करवा दूं, मतलब जो 7 क्वेश्चन आप बनाते हो पीछे से 4 क्वेश्चन और जो चैप्टर चल रहा है उसे जो 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हो, जितना रिविजन ये आपको करा के देगा उतना रिविजन मुझसे भी ना हो पाएगा, आप ये समझ के चलो, कुछ हो या ना हो चाहे किसी दिन छुट्टी ही क्यों हो आपको डेली हर दिन कम से कम आदत डाल लेना है अपने अंदर कि 7 क्वेश्चन बनना चाहिए। अब 7 क्वेश्चन है वो मत सोचो, आप सोचो जल्दी से, मतलब एक घड़ी देख लो, आप सोच लो भैया हमको 20 मिनट के अंदर जो है 7 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, मतलब आपको अपने अंदर स्पीड भी रखना है, स्पीड के साथ इस 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करना, 20 मिनट देख लो, 25 मिनट देख लो, 15 मिनट देख लो, जितना जल्दी हो सके माइंड में फिक्स कर लो और स्पीड के साथ आपको 7 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और सुन लो, स्पीड हम इसलिए रखने के लिए कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है आप जानते हुए भी कभी कभी समय कम पड़ जाता है आपके लिए एग्जाम में, तो वो काम नहीं होना चाहिए, आपको अपने अंदर स्पीड भी रखना है। तो 7 क्वेश्चन बनाओ तो ये मत सोचो जा रही है गाड़ी छुक 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 जा रही है गाड़ी, अरे कभी तो पहुंचेगा ही ना, कभी तो पहुंचेगा ही, चाहे 5 घंटा क्यों ना हो, वो नहीं रखना है आपको, जल्दी से जल्दी 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करना है। बहुत अच्छे, और इसको हल्के में ना लियो, ये चाहेगा तो आपका आपको मैथ में इतना स्ट्रांग बना देगा, इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपने सोची ना होगी। भैया सही बोल रहे हैं भैया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो हम 7 क्वेश्चन डेली बनाएंगे। चलो ठीक है, 7 क्वेश्चन इसी प्रकार बनाते चलो, ठीक है। हाँ जी, हाँ यहाँ जगह छोड़ के बनाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ चमक रहा होगा तो बोल देना, तो क्या बोलने मत भैया, क्या करेंगे यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे, बोलने क्या जरूरी है, हम देख लेते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अरे कोई नहीं, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, कहीं कोई समस्या ना हो रहा, ठीक है। अगेन 10वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, जगह छोड़ा जाए ना, यहाँ पर बनाना भी तो है, इसमें भाग लगाओगे 13 से जो 169 16 भागा डब्बा इक्वल टू 8, 12 नंबर डब्बा माइनस 6 इक्वल टू 17। चल यहाँ पर 12 क्वेश्चन है और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन ही बताने वाला, तो कृपया करके आपको यहाँ ध्यान देना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन बता दिया जाए, तो भैया आप जो इसमें 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में भाग है, ठीक है, जो रूल हम लोग घटाव के लिए पढ़े थे वही रूल मेरा भाग के लिए भी आएगा, जो रूल हम लोग गुणा के लिए पढ़े थे
वही रूल मेरा जोर के लिए भी आएगा। देखो घटाओ में रूल था, जब भी घटाओ दिया हुआ रहेगा तो बराबर के इस साइड का लेते, तो सेम हम लोग भाग में भी अगर भाग दिया हुआ रहेगा तो बराबर के इस साइड का लेंगे। लेकिन घटाओ में पढ़े थे अगर दोनों पास में रहेगा तो हम लोग जोड़ देते हैं, सेम वही फंडा, अगर दोनों पास में रहेगा तो हम लोग गुना कर देंगे। घटाओ में इसका ठीक, घटाओ का ठीक उल्टा जोड़ते थे, भाग में भाग का ठीक उल्टा गुना करेंगे, अर्थात यहाँ पर 13 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 39 यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ओके, और कौन सा बता दे भैया इसमें से, एक ये बता दीजिए, सुनिए, जैसे हम लोग जोड़ में ऑलवेज बराबर की इस साइड का लेते थे, सेम उसी तरह हम लोग गुना में भी बराबर के उस साइड का लेंगे। ठीक है, हाँ भैया ठीक। और जोड़ में हम लोग ठीक उल्टा चिन्ह लगाते थे, घटाव लगाते थे, तो यहाँ पर भी गुना का ठीक उल्टा भाग का प्रयोग करेंगे। ओके, अब 13 का 13 हो जाए तो 0 भागा 13 कर लिए, मतलब 0 में 13 से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आप जानते हो 13 भागा 0 करेंगे तो मेरा 0 ही होता, तो यहाँ पर 0 रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग कल ही सीखे थे कि नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर में 0 आएगा तो फिर कोई बात नहीं, 0 ही आंसर होगा। बहुत अच्छा, अब ये बनाने के बाद बगल में आप लिखोगे कौन कौन सा 13 है, तो 13 कौन कौन सी संख्या है, 0 कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, सब डिटेल करना है आपको, सारा ध्यान मेरा इसी के ऊपर रहने वाला। आप यहाँ पर क्या, मतलब यहाँ पर कौन संख्या का नाम क्या क्या लिख रहे हो, सारा ध्यान मेरा उसी के ऊपर रहेगा। भैया अच्छा कोई बात नहीं, हम तो संभालेंगे। चलिए यहाँ देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बनाओगे तो भैया यहाँ पर घटाव है, घटाव का मतलब बराबर के इस साइड का लेंगे, तो 7 ले लिए। ठीक है, ऑलवेज जब दोनों पास में रहेगा तभी जोड़ते हैं, वरना हमेशा घटाते हैं, तो 7 में घटाएंगे 12 को, तो मेरा कितना हो गया, 3 2 5 मेरा, मतलब मेरा -5 हो गया, यहाँ पर -5 फिलअप होगा। ओके, हाँ और कोई बात है भैया, सुनिए ना, सुनाइए ना, 11 नंबर भैया बता दीजिए। अच्छा देखिए 11 नंबर और सीखिए, यहाँ पर लिखना है 7 कौन कौन सी संख्या है, 12 कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर भी 3 कौन कौन सी संख्या है। ओके, अब देखो यहाँ 16 ले लिए। ठीक है, ऑलवेज अगर दोनों पास में रहेगा तो ना करते हैं, वरना 8 मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लिए, कितना आसान था। अब सारा आप बनाओगे और सबके अंत में ये लिखना है 16 कौन सी संख्या है, 8 कौन सी संख्या है। ठीक है, हो गया होगा भैया, हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और देखते उसके बाद हम लोग फैक्टर के पीछे आएंगे। भैया जी क्या ही कर रहे, और क्वेश्चन दीजिएगा। देखिए भैया आप अति लोभ कर रहे हैं, अति लोभ नहीं करना है भैया। देख लो छोटे, एक बात समझ लो, अति लोभ नहीं कर रहे इसमें जो है, हम लोग कहीं पर माइनस वगैरह नहीं लिए थे, मतलब -7 ± -7 इस तरह का कुछ क्वेश्चन नहीं लिए, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन वैसा भी हो जाए। टोटल कितना क्वेश्चन था नीचे भैया, याद तो नहीं आ रहा, 12 क्वेश्चन था। हाँ 12 क्वेश्चन होगा, 13 नंबर क्वेश्चन लिखो। ठीक है, -6 + -3 अब मजा आएगा ना, अब माइनस प्लस का जब झंझट आएगा ना तब आप परेशान भी होंगे। भैया जी क्या कह रहे हैं, परेशानी मुझे वो भी, ना 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 भैया वो तो नहीं होने वाला। देखते ओके, -6 × -3 और 16 नंबर क्वेश्चन, -9 = -5। देख लो बीच का माइनस, बीच का भाग, बीच का प्लस, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके हाँ भैया ठीक है, अगेन -3 - -2 18 × -6 = -5। हाँ ठीक है बनाओ, यहाँ पर सोच समझ के बनाइयो, जल्दी से सारा क्वेश्चन तब तक आप बनाओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके चलिए, हल्दी हल्दी बनाना है आपको। चलो जी चलो, हम लोग इसको सॉल्व करते, हर एक क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए छोड़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, सर कुछ दिन से मुझे लग रहा था कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, बिकॉज सही गलत समझ में आया कि नहीं समझ में आया वो पहचानने का मौका मिलेगा, आपको परखने का मौका मिलेगा। हाँ भैया ये आप बिल्कुल सही किए। यहाँ ध्यान दो, देखो भैया सुनिए ना, यहाँ पे क्या होगा ये बता दीजिए, और एक घटाव का बता दीजिए, एक गुणा का बता दीजिए, एक जोड़ का, अब अच्छा है दो भी बता दीजिए, मतलब पूरा वो काम नहीं होगा। यहाँ देखो भैया से मजाक नहीं करते ना, देखो हाँ यहाँ भाग है ना, भाग में क्या करेंगे, हमेशा बराबर के इस साइड का लेंगे। हाँ भैया ले लिए 6 गोल ले ली, अगर दोनों पास में रहेगा तो गुना करते,
पास में नहीं है तो भाग करेंगे। वाह भैया, -3 का -3 कर लिए। अब देखिए भैया कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए। यहाँ पे 6 है तो 6 ऊपर चले जाएगा, भाग बटे में आ गया, -3 नीचे में आ गया। बहुत अच्छे। अब माइनस ऊपर नीचे में किए को माइनस है तो 1 माइनस है। हम सीखे थे अगर 1 माइनस रहेगा तो माइनस से बन जाता, अगर 2 माइनस रहेगा तो वो मेरा मिल करके प्लस बनता है। यहाँ कितना माइनस है, यहाँ पर 1 ही माइनस है तो मेरा भाग्य में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 6 और 3 6/3 हो गया, कहीं कोई समस्या। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 6 किसके बारे में आता, तो भैया 3 और 6 3 के बारे में आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। 3 जो है 3 के बारे में एक बार में आता और 6 जो है 3 के बारे में दो बार में आता, अर्थात 2/1 -2 हो गया। बस ऐसे आपको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम लोग -2 फिलअप करने वाले, और बगल में आपको टोटल नंबर लिखना है ये कौन कौन सी संख्या है। जगह ही नहीं बचा, क्या ही हो रहा, आपके पास जगह बहुत बचा होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 कौन कौन सी संख्या वो लिखना है, जैसे कि 6 मेरा नेचुरल नंबर है, और कौन सी संख्या है, 6 होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, उसके बाद आपका 6 इवन नंबर है, इतना सब कुछ आपको लिखना है। भैया ये सब तो बहुत ही आसान है, और हमको पता है आपको आसान चीजें लिखने में दे रहा। -3 कौन कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ माइनस लगा हुआ है, आप बोले थे अगर माइनस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लिखना। देख रहे हो हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, हमने क्या बता दिया माइनस लगा हुआ है सिर्फ इंटीजर लिखे जा रहे भैया अब तो मुझे समझ में आ गया इंटीजर दोनों में होता है। चल ठीक, यहाँ ध्यान दो, और कौन सा बता दे भैया, 1 गुना वाला बता दीजिए, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, गुना वाला देख लो, -6 है -3 है। हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज गुना में बराबर के इस साइड का लेते, तो -3 ले लिए। अब गुना का ठीक उल्टा भाग लगाएंगे, यहाँ -6 है तो -6 आ जाएगा। अब -3 ऊपर की तरफ भाग है तो बटे -6 नीचे, के को माइनस है भैया जी 2 को माइनस है, दोनों माइनस के बदले में प्लस आ जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ 3/6 आ गया, देख रहे हो कितना आसान है भैया जी, बहुत ही आसान है। 3 और 6 किसके पहाड़े में आता, 3 के पहाड़े में आता। हाँ, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, 6 2 बार में आता, अर्थात +1/2 हो गया, यही रिजल्ट हो गया। यहाँ पर 1/2 लिखना है, 1 है कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ आगे में प्लस है, इस बात को समझ के चलना। हाँ भैया समझ गया, अच्छे से लिखे ना, ये क्या लिख रहे हैं, अरे हाँ प्लस छिपा हुआ रहता। और कोई बता दे भैया, सुनिए ना, सब तो बता दिए, प्लस वाला छोड़ दीजिए, एक माइनस वाला बता दीजिए। अच्छा भैया के साथ मजाक, देखो -6 कौन सी संख्या है और -3 कौन सी संख्या, ये इंटीजर हो गया, ठीक, ये भी इंटीजर हो गया। चलो यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाले, भैया सुनिए ना, अब छोड़ दीजिए ना, हम बना लेंगे एक क्वेश्चन, देखिए घटाओ है तो बराबर की साइड का लेंगे, हम यह ले लेते हैं -3 ले लिए। उसके बाद क्या करना है वो सोचना है, -3 लेने के बाद दोनों पास में नहीं है तो घटेगा, -2 को घटा दिए। भैया जी अब देखिए यहाँ पर समझना है, यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, वो क्या -3 का -3 ले लिए। जब दो संख्या मतलब जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए, -, -, +-, बीच में कोई भी नंबर नहीं आए, तब वो रूल लगाना है कि देखना है यहाँ पर कितना माइनस है। भैया तुरंत देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर 2 माइनस है। वाह आप तो समझ गए हो, एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, बताओगे कितना माइनस था। भैया 2 माइनस, जब 2 माइनस रहेगा तो प्लस लगाना होता है। चलो बहुत अच्छे, प्लस लगा लिए, यहाँ 2 का 2 उतार लिया, बहुत अच्छी बात है। अगेन जब माइनस और प्लस आ जाए तो ये देखते हैं कि कौन सा संख्या बड़ी है, तो 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह माइनस, तो माइनस आ गया। वाह अब घटाएंगे, बड़े में छोटे को घटा दो, 3 में 2 घटाएं तो 1 हो गया, अर्थात -1 हम लोग का रिजल्ट आ गया है। अब जो बच गया क्वेश्चन वो आप बनाओगे और बगल में लिखोगे कि -3 कौन सी संख्या है, -2 कौन सी संख्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बगल वाला आपका। ठीक है, वो तो अच्छे से चेक करना है। अगेन हम लोग यहाँ तक समझ गए, अब हम लोग क्या प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अरे कंपोजिट नहीं, चलो देख लेते हैं प्राइम नंबर देख लेते हैं। ओके हम लोग अब प्राइम नंबर पढ़ने वाले। ठीक है चलो, थोड़ी देर रुकोगे, चलो जी चलो हम लोग निकलते हैं फैक्टर्स की तरफ। बिल्कुल, अब बताओगे फैक्टर समझने से पहले संधारी भैया, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5, हमको 5 का फैक्टर 1 से स्टार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 2 का फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर क्या होता, सिंपल सा हमको ये देखना होता है कि 2 किसके किसके पहाड़े में आता,
तो बोलोगे भैया दो की बात करते तो दो मेरा जो है एक के बारे में आता और दो के बारे में आता, अर्थात दो का फैक्टर कौन कौन हो गया, एक और दो हो गया। देख लो कितना आसान है। फैक्टर ऑफ थ्री की बात करते हैं, फैक्टर ऑफ थ्री, तीन का फैक्टर कौन कौन है, तो सोचोगे मन में सोचोगे कि तीन किसके किसके बारे में आता। टोटल कितना नंबर हुआ था, 18 नंबर टोटल हुआ था ना, मैं भूल जाता हूँ, इसे ध्यान में रखा करो, ठीक है। ठीक, अगेन यहाँ पर समझोगे तीन का फैक्टर क्या क्या होगा, तो सोचोगे भैया जी तीन जो है किसके किसके पहाड़ी में आता, तीन मेरा एक के पहाड़ी में आता और तीन के पहाड़ी में आता, तो तीन का फैक्टर 1/3 हो गया। अच्छा, फोर का फैक्टर क्या क्या होगा, तो फैक्टर्स ऑफ फोर, सिंपल सा। भैया यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं आप, हमको बोलते हैं पूरा लिख रहे हैं और आप जो है सिर्फ डॉट 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 के आगे बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, ये गलत बात भैया, आप भी लिखिए। यहाँ ध्यान दो, फोर का फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ फोर के फैक्टर पर ध्यान दो, मैंने लिखा क्या उस पर ध्यान मत दो, ठीक। फोर का फैक्टर क्या क्या होगा, चार किसके किसके पहाड़ी में आता, सोचते हैं चार एक के पहाड़ी में आता, दो के पहाड़ी में आता और चार के पहाड़ी में आता। वाह, इतना सोचना पड़ रहा है। ये बनाओगे क्वेश्चन तो मैं देता हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 5 बनाओगे, 20 नंबर क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 6 बनाओगे, पूरा बनाओ ना भैया जी, ये क्या कह रहे हैं पूरा बनाओ, मतलब हम भी देखे भैया डॉट डॉट लिख देंगे। अरे वो हम मत करोगे आप पूरा लिखोगे, ठीक भैया को परेशान मत करो, भैया कितना लिखेंगे, चलो लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 8, अगेन फैक्टर्स, फिर भैया जी अरे भैया के पीछे ना पड़ो, आप खुद सीखो, ठीक भैया को परेशान कर रहे हो, मैं कितना लिखूं, हाँ फैक्टर्स ऑफ 11 और फैक्टर्स ऑफ 12, ये सारा क्वेश्चन पहले आप खुद से बताओगे और सोचोगे पांच किसके किसके पहाड़ी में आता, छह किसके किसके पहाड़ी में आता, सात किसके किसके पहाड़ी में आता, सब लिखो। लिख लियो होगी, हाँ भैया कब का लिखे बैठे हैं, मिलाई लिख लियो, चलो ठीक है भैया लिख लिए। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ फैक्टर्स ऑफ 8 की बात की गई है, आप क्या क्या लिखोगे कि 8 किसके किसके पहाड़ी में आता, 1 के पहाड़ी में, 2 के पहाड़ी में, 4 के पहाड़ी में और 8 के पहाड़ी में। जब ये टर्म आपका आगे बढ़ेगा, जब 25 26 27 28 के पार जाने लगेगा, तब आपको तकलीफ होने लगेगा, वो तकलीफ क्या अभी समझ में आएगा, पहले इसको बनाते हैं, ठीक। 12 किसके किसके पहाड़ी में आता, तो 12 1 के पहाड़ी में, 2 के पहाड़ी में, 3 के पहाड़ी में, 4 के पहाड़ी में, 6 के पहाड़ी में और 12 के पहाड़ी में। अब बताओ इतना सारा पहाड़ा सोचोगे कि एक के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, दो के पहाड़े में 6 बार में आता, तीन के पहाड़े में 4 बार में आता, 4 के पहाड़े में 3 बार में आता, 6 के पहाड़े में 2 बार में और 12 के पहाड़े में 1 बार में। अभी तो 12 तक थे तो आप आसानी से समझ पा रहे थे, पहाड़ा देख रहे थे। अगर यही पहाड़ा 25 का 26 का 27 का पहाड़ा आ जाएगा, वो तो पहाड़ा आपको याद नहीं है, तब वहां पर कैसे बनाओगे ये सोचो। तो बनाने का एक सिंपल सा निंजा टेक्निक भैया, ये निंजा का होता है चलेगा पता, वो देखो कैसे बनाना है उसको समझने का प्रयास करो। देखो एक के पहाड़े में 12 कितने बार, जब भी बना तो पेंसिल से बनाना, देखने में सही लगेगा, आप मिटा के फिर आगे कर लोगे। देखो 12 जो है एक के पहाड़े में कितने बार में आता, 12 बार में आता, तो 12 बार में पीछे लिख लिया। चलो एक के बाद दो के पहाड़े में आता, हाँ भैया दो के पहाड़े में आता, दो के पहाड़े में कितने बार में आता है भैया, दो के पहाड़े में 6 बार में आता, 2 × 6 = 12, बहुत ठीक है। तीन के पहाड़े में आता, हाँ भैया तीन के पहाड़े में आता, तीन के पहाड़े में कितने बार में आता, 3 × 12 = 4 बार में, बस दिन के बाद 4 यहाँ पहले से मौजूद है, हमें क्यों ही करना, हम आधा काम करेंगे, मेरा आधा खुद ब खुद आ जाएगा। वाह भैया ये क्या कहे, ये तो और अच्छा मतलब बनाने का तरीका है। यहाँ ध्यान दो, एक के पहाड़ी में 10 कितने बार में आता, तो बोलोगे भैया एक के पहाड़ी में 10 बार में आता, ठीक है। दो के पहाड़ी में 10 कितने बार में आता, दो के पहाड़े में 5 बार में आता, अगेन तीन के पहाड़े में नहीं आता, चार के पहाड़े में नहीं आता और यहाँ 5 पहले से। इस तरह बनाओगे ना तो गलती नहीं होगा, मतलब आप जल्दी बना पाओगे और एक्यूरेट बनेगा, गलती भी नहीं होगा। बाकी सब बना सकते हो, 7 किसके किसके पहाड़े में आता, एक के पहाड़े में 7 7 बार में आता, इसके अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आता है। 5 भी एक के पहाड़े में 5 बार में आता और कोई 11 भी एक के पहाड़े में 11 बार में आता। अब यहाँ ध्यान दो, हम सब का फैक्टर्स निकाले, अब ये बताओगे इसमें से सबके फैक्टर्स को देखो, कोई एक चीज कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ भैया सबके फैक्टर्स में जितना फैक्टर आप यहाँ निकाले हैं जो बचा है उसको भी लिख ही लेते हैं ना, 1 3 9, ठीक है 1 2 3 6, चलो यहाँ जो सबका फैक्टर दिख रहा है, सबके फैक्टर में एक चीज कॉमन दिख रहा कि सब में आपका 1 है। भैया सही कह रहे, सब में 1 है, अर्थात 1 तो सब में, और एक चीज कॉमन दिख रहा होगा जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं वो भी सबके साथ है, 1 और 8, 1 और 9, 1 और 10, 1 और 11, 12 का निकाल रहे हैं 1 और 12, सब में, ठीक। अर्थात 5 का निकाले 1 और 5, 4 का निकाले 1 और 4, ठीक ये तो देख रहे हैं, अर्थात
जिसके जिसके फैक्टर में एक हो मतलब वन हो और स्वयं वही संख्या हो, इटसेल्फ, खुद हो, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है ठीक, खुद वही संख्या हो जाए, एक हो और इटसेल्फ खुद वही संख्या हो जाए, ऐसा कौन कौन सा है जिसमें सिर्फ एक हो और खुद वही संख्या हो, इसके अलावा कोई और संख्या ना हो। तो बोलोगे भैया दो में सिर्फ एक है और खुद दो ही है, ये है और कोई है, हाँ भैया तीन का भी फैक्टर में एक है और खुद तीन भी है ठीक है, चार में एक और चार के अलावा दो आ गए तो ये नहीं, पांच में एक है और स्वयं पांच भी है तो ये है, छह में एक और छह के अलावा आ गया, सात में एक है और स्वयं सात भी है तो ये सात, ये भी सात भी मेरा वो नंबर हो गया जिसका फैक्टर्स एक और खुद वही संख्या है, यहाँ पर ग्यारह में भी एक और एक है और खुद वही ग्यारह है तो ये भी आपका हो गया, इसके अलावा यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है, जिस जिसका फैक्टर वन होगा और इटसेल्फ खुद होगा तो वो संख्या मेरा प्राइम नंबर कहलाएगा। तो अभी से ये कॉपी में नोट डाउन कर लो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। स्टार्ट करें तो लिखो ए नंबर डेट हैज ओनली टू फैक्टर, कौन कौन, वन एंड इटसेल्फ, ए नंबर डेट हैज ओनली टू फैक्टर, कौन कौन फैक्टर्स है, वन है और इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर कहते हैं, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, वो भी लिख सकते हो और ना इतना ही लिखोगे काम हो गया, मतलब जिस संख्या, समझ लो प्राइम नंबर किसको कहेंगे, ऐसा संख्या लेना है जिसके पास केवल और केवल दो फैक्टर होना चाहिए, वो है ना, देखो एक फैक्टर दो फैक्टर, दो फैक्टर से ज्यादा नहीं, दो फैक्टर दो फैक्टर दो फैक्टर दो फैक्टर, जिसके पास दो फैक्टर हो और वो दो फैक्टर किस प्रकार का हो, पहला तो वन हो जाए और दूसरा इटसेल्फ हो जाए, मतलब खुद हो जाए वो संख्या, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जांपल लिखते हैं, कौन कौन सा है भैया, टू है हाँ जी, थ्री है हाँ जी, और फाइव है हाँ जी, फिर सेवन है हाँ जी, फिर इलेवन है हाँ जी, इस तरह ये संख्या आगे बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा, बहुत कुछ मजा आ गया आपकी बातें सुन करके, आप जो बोल रहे हो वो समझ के मजा आ गया, आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अच्छा, जिसका फैक्टर दो से ज्यादा हो, ऐसा कौन कौन नंबर है वो देखो, तो जिसका फैक्टर दो से ज्यादा है, भैया जी सुनिए ना, इसका फैक्टर देखे एक दो तीन, दो से ज्यादा है, इसका फैक्टर दो से ज्यादा है, इसका फैक्टर दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, मतलब जिसमें जिसमें हम लोग टीक लगाए हैं, भैया वो तो मुझे भी पता चल रहा है कि उसका फैक्टर दो से ज्यादा है, उसका हम क्या करें, अरे डेफिनेशन लिख लो ना कंपोजिट नंबर का, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, क्या नहीं लिखना है क्या भैया लिख लेते हैं, चल यहां लिखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यहां लिखो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या या संख्याएं, नंबर संख्याएं लिखोगे या नंबर दे देना ठीक है। अब यहां पर इसका डेफिनेशन लिखते, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स की जगह पर यहां पर आपका मोर देन टू फैक्टर्स होगा ठीक है, तो लिखो ए नंबर, ए नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, या फिर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर ठीक है, ए नंबर डेट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहां तक में बताओ, कहीं पर भी कोई समस्या है भैया, समस्या वो कहा होता है जब आप बता रहे हैं भैया समस्या नहीं आने वाला, देख लो अच्छा बात है हम बता रहे समस्या नहीं आने वाला, यहाँ देखो चार है वो संख्या जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है, छह है वो संख्या और आठ है वो संख्या और नौ है वो संख्या और दस है और बारह। अब जो यहां से स्टार्ट करोगे कि हम लोग जैसे फैक्टर तो देंगे आपको लिखने के लिए, साथ ही साथ इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पर तीन को आपको लिखना पड़ेगा, तीन कौन कौन सी संख्या है, वहां पर तीन नेचुरल नंबर है, फिर होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, ओड नंबर है और साथ ही साथ ये प्राइम नंबर भी है, ये सब लिखना है। मैं देखो मेरा जो ये पहला क्लास और दूसरा क्लास रहा, दोनों क्लास का सिर्फ यही मकसद है कि आप संख्या को पहचानने सीखो, संख्या से रूबरू हो, हाँ ये संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, इस संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे, ये संख्या जो है आपका नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, ओड है, इवन है,
इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप संख्या को पहचानो। संख्या पहचान लोगे ना, ये मैथ बहुत आसान होने वाला, ठीक है। चल अब हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 25 से आगे का क्वेश्चन। हम लोग इसको लिख लो अच्छे से और जो डेफिनेशन है इसको याद करने का प्रयास करो। आज हम लोग इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट ये सब देखे हैं, सब याद करो आप। कल की क्लास में हम लोग दो चीज देखने वाले, वो क्या, एक तो पहला हम लोग फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखेंगे और हम लोग रेशनल नंबर दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का डेफिनेशन लगभग लगभग सेम होता बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब उस डेफिनेशन को जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले, एक बारीक सा, सिर्फ बारीक सा डिफरेंस है दोनों में, और जब डिफरेंस को जानोगे ना मजा आ जाएगा। मतलब कल का क्लास बहुत आनंदित है, ठीक है। क्या डिफरेंस है मतलब फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है वो जानोगे ना। आप भी बोलोगे भैया जी ये ऐसा होता है, अच्छा 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 मुझे सब पता ही नहीं था। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस डिफरेंस को लेकर के, ठीक है। तो क्यों ना बताया जाए अच्छे से, बिल्कुल सीखेंगे सब, सब कुछ अच्छे से सीखेंगे, ओके। हाँ भैया जी ला ला ला, अब देखिए हम लोग कहाँ पर है, क्वेश्चन लिखोगे 26 नंबर क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 18। यहाँ बगल में फैक्टर्स लिखने के बाद यहाँ 18 देखिए लिखोगे, 18 कौन कौन सी संख्या है, 18 में मतलब नेचुरल नंबर है, हॉल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, सब सब नंबर आपको लिखना है, ओके। 27 नंबर क्वेश्चन, मुझे तो मन कर रहा है पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ उसके बाद में वीडियो ऑन करूँ, अच्छा कोई बात नहीं आप लिखिए, ओके। ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, ला 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 ला। फैक्टर्स ऑफ 38, फैक्टर्स ऑफ 49 और 30 नंबर फैक्टर्स ऑफ 79 और अब मात्र दो फैक्टर दे रहे हैं, देखते हैं वो आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ओके। फैक्टर्स ऑफ, भैया जी सुनिए 161 ये बना के दिखाओगे, मात्र एक फैक्टर दिए हैं 30 और 31, कुछ बने या ना बने इस धन अपने अपना दिमाग लगाओगे, ये बनता ही नहीं बनता वो जानना है, ठीक। जल्दी से सारा क्वेश्चन बनाओगे, बन गया होगा, कुछ और समय दिया जाए, ये समय क्यों दे रहे हैं आप, समय नहीं दीजिए क्योंकि हम लोग वीडियो रोक के उतार भी लिए और बना भी लिए, बहुत अच्छे। अब मिलाओगे आप फैक्टर्स ऑफ 18 के मतलब 18 की बात करते हैं तो देखते हैं 18 किसके किसके पहाड़े में आता। एक के पहाड़े में 18 बार में आता, ठीक है। दो के पहाड़े में 9 बार में आता, तीन के पहाड़े में 6 बार में आता और चार के पहाड़े में नहीं आता। जब रहने दो, 22 जो है एक के पहाड़े में 22 बार में आता, दो के पहाड़े में 11 बार में आता और तो नहीं आता है, ठीक। अगेन आगे देखते हैं, यही जगह जो बच जाता ना रबर रेत मिटा करके, मिटा करके आगे कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 22 जो है ये जो है कौन कौन सा नंबर है, तो बोलोगे भैया नेचुरल नंबर है, हॉल नंबर है, इंटीजर नंबर है, इवन नंबर है और कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किस प्रकार हुआ, इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, ओके। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगेन इसमें से कौन सा बता दें, एक ये बता देते हैं 38 29 नहीं बताएंगे और ये दोनों नहीं बताएंगे। भैया जी क्या कह रहे हैं, ये दोनों नहीं बताइएगा, बताएंगे। इतना बता देते हैं दोनों में से एक जो है वो कंपोजिट है और एक मेरा प्राइम है। भैया जी ये मत बोलिए, हम बस लिख देंगे, अच्छा फैक्टर तो देखेंगे ना, फैक्टर क्या लिख रहे हो, ठीक बस ये देख लो, बस एक ये 28 नंबर बताएंगे, बाकी सब खुद से बनाना है आपको, ठीक है। एक हुआ 38 हुआ, 2 हुआ 19 हुआ, और कुछ होगा, और कुछ नहीं होगा। चलिए 38 कौन कौन सी संख्या वो लिख लेना है, बस इतना सा काम करो अच्छे से। देखो जो बच गया वो हम लोग क्या, जो ये 30 नंबर और 31 नंबर बचा है ये आपको खुद से बनाना है और मैं वहीं पर चेक कर लूंगा, ओके। इतना सा बनाओगे और हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं वीडियो रोक रहा हूँ। आगे क्वेश्चन लिखने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक बहुत बेहतर, बहुत प्यारा चीज है, उसको समझोगे, जानोगे, पहचानोगे और समझने का प्रयास करोगे। अभी तो आप जान रहे हो नेचुरल नंबर, हाँ भैया जी जान रहे हैं नेचुरल नंबर, इसमें से सबसे छोटा कौन होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होने वाला ये बताओगे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर में कौन होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओगे, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा कौन होने वाला, तो भैया जी हम जानते हैं नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा वो बताओगे, स्मॉलेस्ट, सब स्मॉलेस्ट पूछेंगे, नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन है ये बताओगे, भैया जी नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट,
तो सबसे छोटा है वो आप बताओगे. अगेन होल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होगा? अगेन इंटीजर नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होगा? अच्छा पता चलेगा अभी आपको. इंटीजर, इंटीजर नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होगा? उसके बाद और क्या है? इवन नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होगा? फिर ऑड नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होगा? फिर आपका प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होगा? फिर कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होगा? और कोई नंबर बताया हम? इतना सा ही नंबर जाने हैं, सब में आप बताओगे स्मॉलेस्ट क्या होने वाला. उसके बाद सबसे लार्जेस्ट ही बताना है, लार्जेस्ट. ठीक है, कि नेचुरल नंबर में लार्जेस्ट संख्या कौन सी होने वाली. ये तभी बता पाओगे जब बारीकी से सारे नंबर को आप जान रहे होगे, वरना नहीं समझ पाएगा, मतलब वरना नहीं बता पाओगे. इस बात को समझ के चलो. ओके, होल नंबर का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होने वाला? इंटीजर का, फिर इवन नंबर का, ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का. चलिए सबका बताओगे, इन सारे नंबर का आपको बताना है. सबसे छोटा संख्या सब नंबर में कौन कौन सा होगा, और नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट नंबर कौन है, होल नंबर, इंटीजर, इवन और प्राइम, कंपोजिट, सब का लार्जेस्ट नंबर कौन है. हल्दी हल्दी बताने का प्रयास करोगे. भैया सुनिए ना, वैसे तो मुझे आता है लेकिन अभी मैं अपने मन से नहीं बनाने वाला, आप बताइएगा हम जानेंगे. ये तो और अच्छी बात है. अब यहाँ ध्यान दो, आप नेचुरल नंबर पढ़े हो. हाँ भैया जी, एक से स्टार्ट होता है या किसी और इससे पहले भी स्टार्ट होता? ना 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 भैया, एक से ही स्टार्ट होता है. अर्थात इसका स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर वन हो गया. हॉल नंबर की बात करेंगे तो हॉल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट, किससे स्टार्ट होता? जीरो से स्टार्ट होता. अर्थात हॉल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? जीरो हो गया. इंटीजर नंबर की बात करते, इंटीजर नंबर क्या होता भैया? इंटीजर नंबर इधर जीरो वन टू थ्री इधर होता, और पीछे जाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये बढ़ते चलेंगे पीछे अंतिम तक. सबसे छोटा कौन होगा भैया? वो निकाल ही नहीं सकते. चलिए पीछे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छह माइनस सात, आप बढ़ते जाइए ना, कितना छोटा लीजिएगा वो इन्फिनिटी तक जाने वाला, मतलब आप उसको परिभाषित तो नहीं कर सकते हो. यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होने वाला, नहीं समझ रहे हो? सुनो, ये जीरो हुआ. बड़ा संख्या के लिए हम लोग इधर बढ़ेंगे, एक दो, जितना आगे बढ़ेंगे उतना मेरा बिगर नंबर होते चलेगा, और जितना इधर आएंगे उतना मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होते चलेगा. माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कहां तक जाओगे आप? इधर तो मेरा इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, मतलब इधर आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा रास्ता, कभी खत्म ही नहीं होगा. ऐसा रास्ता तैयार ही किया गया है कि खत्म ही कभी ना हो. अच्छा जी, अर्थात इंटीजर नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट आप पता ही नहीं लगा सकते वो संख्या कौन सी होने वाली है. भैया जी ये क्या कह रहे हैं आप? कभी कभी आप ऐसी बातें कहते हैं ना, मुझे लगता ही नहीं है कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है आप जो है ऐसी बातें बता रहे हैं जो कभी तक खोजी नहीं गई है. सुनो छोटे, यहाँ ध्यान दो, इवन नंबर में सबसे छोटा क्या होगा? देखो अभी हम लोग इवन और ऑड नेचुरल नंबर के आधार पर देख रहे हैं, इस बात को समझ के चलना. ठीक है, मैं बार बार कह रहा, इवन नंबर और ऑड नंबर हम लोग नेचुरल नंबर में इवन और ऑड का पता कर रहे हैं. ठीक है, चलो नेचुरल नंबर में जो है इधर इस वाली संख्या में जो ऑड नंबर है एक तीन, सॉरी इवन नंबर की बात कर रहे हैं ना, इवन नंबर दो चार छह आठ दस, उसमें से सबसे छोटा कौन है? तो दो है. यहाँ पर बगल में लिख लेना है, छोड़ो कुछ नहीं लिखना, आपको मैंने बता दिया ना. अगर यही चीज इवन इंटीजर नंबर दिया हुआ रहेगा, इंटीजर नंबर में इवन नंबर में, देखो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं बता रहा, क्योंकि कहीं कहीं रहता है इवन नेचुरल नंबर, कहीं कहीं रहता है इवन ऑड नंबर, कहीं कहीं रहता है, हाँ जी, कहीं कहीं रहता है इवन हॉल नंबर, कहीं कहीं रहता है इवन इंटीजर नंबर. वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, जहां कुछ नहीं दिया रहेगा समझना वहां पर इवन नेचुरल नंबर, इस बात को समझ लीजिए. तो इस नेचुरल नंबर में इवन नंबर कौन कौन है? दो है, चार है, छह है, आठ है, दस है, बारह है, ये सारा नंबर है. ओके, उसमें से सबसे छोटा दो हो रहा है. ओड नंबर कौन है भैया? ओड नंबर इसी में एक तीन पांच सात नौ, इसमें सबसे छोटा एक है. वो बाद की बात है, अगर यहाँ पर ओड इंटीजर नंबर दे दे, अभी तत्काल के लिए मैं बार बार कह रहा इसको समझ के चलना. अब प्राइम नंबर समझते भैया, प्राइम नंबर क्या होता? हम लोग प्राइम नंबर देखे, क्या था? एक था, तीन था, एक कहां से था भैया? दो था, तीन था, पांच था, सात था, ये सारा संख्या मेरा प्राइम नंबर था. हम एग्जाम्पल भी देखे, सबका फैक्टर कम से कम दो है. क्या एक का फैक्टर दो है? नहीं भैया जी, एक का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, दो का फैक्टर एक और दो होता है. हम लोग प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही पढ़े हैं. आप पढ़े हो? भैया हम पढ़े हुए हैं. जिसका फैक्टर कम से कम दो हो जाए, एक और दो, दो संख्या हो जाए, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे. तो प्राइम नंबर मेरा दो तीन पांच सात,
ये सब संख्या मेरा प्राइम नंबर है, इसमें सबसे छोटा दो है तो दो हो गया प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो हम लोग जाने जिसका फैक्टर्स दो से ज्यादा हो। तो देखिए चार, चार से स्टार्ट हुआ था, हम लोग देखिए पीछे पलटाओ जहां पर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, दो का फैक्टर्स एक और दो, तीन का फैक्टर्स एक और तीन, चार का फैक्टर्स एक दो चार, यहां से दो से ज्यादा फैक्टर्स हो रहा, अर्थात स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरा चार हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से मैक्सिमम आपसे जो पूछा जाता ये पूछा जाता, ये पूछा जाता बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बड़ा से बड़ा एग्जाम दोगे ना उसमें भी ये सब क्वेश्चन रहता, तो कुछ याद रखो या ना रखो ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता, उसके बाद ये पूछा जाएगा, बस ये चार क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता, इसमें से कोई नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं। नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो बढ़ो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कहां तक जाओगे, जाते जाओगे मिलेगा ही नहीं रास्ता, अर्थात ये इन्फिनिटी हो गया, इसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते हो। होल नंबर भी जाओ उसको भी आप लार्जेस्ट नंबर नहीं निकाल पाओगे, इंटीजर का भी लार्जेस्ट नंबर नहीं निकाल पाओगे, इवन का भी लार्जेस्ट नंबर नहीं निकाल पाओगे, ओड का भी लार्जेस्ट नंबर नहीं निकाल पाओगे, प्राइम का भी लार्जेस्ट नंबर नहीं निकाल पाओगे, कंपोजिट का भी नहीं निकाल पाओगे, यही कहा बना दिए। हाँ इतना ही लगा था आठ से, तो बोलते ना हम आठ 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 सिर्फ कॉपी पूरा आठ से ही भर देते, ये क्या किया पूरा बोर्डे भर दिए सोया हुआ आठ से। अरे ये पूछेगा भी नहीं, वैसे वैसे जानने के लिए आप जानकारी रखो, इसलिए मैंने बता दिया। अब जानते हो उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, मतलब जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप सारी बातों को ठीक ठीक समझ गए होंगे, बस इतना ही समझाना था। मैं ये पूछने वाला जिसमें जिसमें मैंने स्टार लगाया हुआ है वो तो मैं पूछूंगा, गलती बताना। आपका आपके मुख में 32 दांत है ना, उसमें से दो दांत खत्म, तब जो कोई लेके चल जाएगा। भैया मेरे पास दो दांत कम ही है, मेरे पास मात्र 30 दांत ही है, अब कहां से दांत आप दो दांत तोड़िएगा। मैंने कहा था दो दांत मैं तोड़ने वाला, मैं तोड़ूंगा ही नहीं दांत ना, दांत आपके मुख में ही रहेगा, सिर्फ लाल हो जाएगा दांत, यहाँ ध्यान दो। वो चार क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, ओके। हाँ भैया याद हो जाएगा। अगेन 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 अब यहां से आपका क्विज स्टार्ट होगा, ये क्विज का होते पता चलेगा। चल क्विज का क्वेश्चन मैं लिख रहा, आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे और बनाओगे, ठीक है। देखो जी देखो, यहाँ पर सात क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन बता देता हूँ, सारा बता देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ देखो एडेड टू मतलब वार्ड सुबी का मतलब यहाँ डब्बा है, डब्बा में आप क्या जोड़ोगे, मतलब क्या क्या डब्बा में आपको 0.26 जोड़ना है और बराबर 1.32 है, तो डब्बा में क्या वैल्यू होगा वो बताना है। वार्ड सुबी मतलब यहाँ पर डब्बा है, डब्बा को किसमें घटाओगे समझना, डब्बा को अगर 9 में घटाओगे तो रिजल्ट मेरा 0.36 हो रहा, तो बताना डब्बा का क्या वैल्यू होगा। ये बहुत आसान है, ये सब डब्बा होगा आप बहुत पढ़े हो बहुत सीखे हो, यहाँ ध्यान दो। इस दोनों का सम निकालना है, कि ये सब तो बना ही सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ जो संख्या का नाम लिखोगे ना वो गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर संख्या का नाम, यहाँ पर संख्या का नाम वो गलती नहीं होना चाहिए, और जितना पढ़े हैं सारा संख्या का नाम आपको लिखना है। टोटल सात क्वेश्चन है, सात में से सात मार्क्स आना चाहिए। चलो जी इतना से बनाओगे, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके ठीक।